17 नवंबर 2021 के दिन गुजरात के साबरकांठा जिले हिम्मतनगर में मोदीपुर ओवरब्रिज के नीचे गरीब लोगों की ओर सलाट लोगों झोपड़ी में रहते थे, 70 साल से रह रहे हैं और सरकार को फेरा भरते हैं और लाइट बिल भी देते आता है, तो भी ये गरीब लोगों को धमकी दिया कि तोड़ते भेज जैसे भी बेच कर कौन करवाता है, भाजपा या कांग्रेस है, सरकार ये गरीब को क्यों हैरान कर रही है। भाई कई बार ऐसे अर्जी करके झोपड़ी पाड़ने के लिए आते हैं और सभी गरीब लोगों को, बच्चों और बूढ़ों सभी पर नकेल कसते हैं। पहले 21 नवंबर 2021 के दिन भी अर्जी करने वाले ये भाई सोनगरा गोपाल भाई गिरधारी जी ये लोग परेशान करते हैं। और राजू भाई सोनगरा ये भाजपा के मिली भगत हैं और 2025 बार जैसे भी भेज कर झोपड़ी तोड़ने के लिए आते हैं। सभी महिलाएं और बच्चे बूढ़े बाहर निकल आते हैं, भूखे प्यासे निकल आते हैं। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटियों को बचाओ, ऐसे लोग परेशान करते हैं। आप ये वीडियो में देखो, सरकार और गुजरात के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सतबीर साहब आप ये वीडियो में एक बूढ़ा इंसान और महिलाएं जैसे को झोपड़े नहीं पाड़ने के लिए रोक रही हैं। सरकार से निवेदन है कि गरीब लोगों में भरते लाइट के मीटर बिल बिजली का भरते हैं तो और गरीब लोगों और राजू भाई सोनगा ने बहुत बहुत परेशान करते रहते हैं इंद्रनगर गंगोत्री में फाटक के पास। और गरीब लोग नगर पालिका में कहते हैं और बोलते हैं हमने नहीं भेजा जेसीबी, तो भाई के किस हुक्म से गरीब की झोपड़ी तोड़ने को और हैरान किया जाता है। जब भी छुट्टी के बोट लेने का टाइम आए तभी उस नेता का हाथ जोड़ जाते हैं और जब भी गरीब को जैसे ही जेसीबी भेज कर नोटिस भेज कर धमकाया जाता है तभी गरीब को मदद करने में कोई भी नेता नहीं आता। सभी सबूत हैं। गरीब लोगों के पास सरकार से प्रार्थना है कि गरीब हैं तो हम गरीबों का आशीर्वाद हमेशा रहता है और गरीब की बद्दुआ खाली नहीं जाती। राजू भाई फोन करा, उसका जमीन आते उसका उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ पुरावा भी नहीं है, वो हमको बहुत परेशान करता है और सभी को पैसा खिला खिला के हमको बहुत परेशान करता है और बारम्बार वो जेसीबी ला के हमको बहुत तोड़ फोड़ कर देता है, बहुत परेशान कर देता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवेश भाई सलाड है। आप किधर रहते हो? हमें यहाँ पे रहता हूँ। अच्छा, कितने साल से? मेरा तो मेरे बाप दादा से भी यहाँ पे ही देते थे, पूरा फैमिली इधर फैमिली यहाँ पे रहता है। हम काम काज में क्या करते हो? हम मजदूरी करते हैं, जैसे कड़िया काम खेती काम ऐसा सब मजदूरी करते हैं और पिछले 70 साल से हम यहाँ पे दे रहे हैं। पैसा खाई खाई ना जमीन है ना नोमे करावी नहीं जाए, ये जमीन उसकी नहीं है, वो गांधीनगर में पैसा खिला खिला के ये जमीन उसके नाम करवाई है इसने। राजू भाई सोनगरा, गोपाल भाई सोनगरा, दिलीप भाई सोनगरा, कोई राजनेता का हाथ है इसमें? नहीं, वो गांधीनगर में कोई है, वो हमको पता नहीं है लेकिन राजनेता का हाथ है। वो गांधीनगर में करवाता है कुछ भी, और वो बोलता है मैं इधर नहीं मानेगा तो गांधीनगर जाऊंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा, पर तुम्हारा गिरवाऊंगा। हमारे पुरावा भी साथ है, हाई कोर्ट सबसे भाई हम इधर ही रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारे बाप दादा इधर मर गए और हम भी इधर ही मरेंगे, नहीं जाएंगे। अगर गवर्नमेंट में दूसरी जगह इनको जगह दे दी तो आप रहने के लिए दूसरी जगह जा सकते हो? अभी इलेक्शन का टाइम आ रहा है, हमको वोट चाहिए, हम यहाँ 200 मकान रहते हैं, ठीक है, हमको ना सनद मिली है ना कुछ नहीं मिला है। सनद आके हमारी पड़ी है, पीछे वाले लोगों को सबको सनद मिल गई है, अगर हमको सनद की सहाय कर देंगे तो हम सनद ले लेंगे। सब मजदूर लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, अब इलेक्शन आ रहा है, वो लोग वोट लेने के लिए यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अभी वो लोग जवाब दे रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, ये वो तो कौन कर रहा है ये सब, हमें जवाब दो, ठीक है, ये कर रहा है कौन? और ये जो मैन है ये उसका नाम है सोनगरा गोपाल भाई गिरिराज भाई, बराबर, ये हमको बहुत परेशान कर रहा है, नोटिस पे नोटिस भेज रहा है, ठीक है। उसके पास क्या उसकी जमीन है हमारे घर के पास? क्या उसके पास उसकी जमीन का कोई प्रूफ है? उसके पास उसका है कुछ? अगर हो उसको हमारी कुछ जमीन अड़ती हुई है वो तो हमें कुछ मकान दिला दे या हमें कुछ भी कर दे, हम यहाँ 70-80 साल से रह रहे हैं, ठीक है, हमारे पास उसका पुरावा है, हमारे पास प्रूफ है, ठीक है, हमें इसका जवाब दो। ये अगर ये अंदर वाले नहीं कर रही है वो तो ये कौन? गोपाल भाई गिर भाई सोनगरा, इसने यहाँ जमीन ली है किसी और के पास से, उसके पास भी पूरे पुरावे नहीं है और वो हमको नोटिस भेज भेज के बार बार परेशान करते हैं। हम यहाँ 70-80 साल से रह रहे हैं, ये उसकी नोटिस है, उसका नाम लिखा हुआ है ऊपर, वो परेशान कर रहा है हमें। हम 70-80 साल से रह रहे हैं, उसकी हम पूरे सब टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट में, नगर पालिका में, हमारे पास घर वेरा है, सब कुछ है, हम यहाँ पूरा मोहल्ला है, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी पब्लिक रहती है यहाँ पे, और आज वो लोग हमारा घर तोड़ने आए थे, बुढ़ले घर लेके पूरा,
आगे सबसे बात कराऊं। मैं रिसीमा मैन सिंधी राजेश भाई बोल रही हूँ। ऐसे हमारे घर धोने आ गए हैं, हम कहाँ जाए बच्चे लेके। हम 70 वर्ष से इधर रहते हैं, घर वगैरह सब बढ़ते हैं। हमने आगे सहायता ली थी कि हमको कुछ सहायता दो कि हम कहाँ जाए घर छोड़ के। क्या बड़े तोड़ने का आप तोड़ दो, पर हमको कहीं पे जमीन जगह कुछ दो। अच्छा। पर लेकिन वो कुछ दे नहीं रहे, आगे सीधा तोड़ने आ गए हैं। तो तोड़ने के लिए हम बच्चे लेके हम कहाँ जाए, आप हमारी कोई सहायता करो। इधर कितनी फैमिलियां रहती है? 200-250 मजदूर लोग हैं। जाते हैं शाम को, आते हैं तभी खाना खाते हैं। किसी के पास पैसा नहीं है जो कहीं पे जमीन ज्यादा लेके खाए या बना के गुजरे कहीं पे। जो जगह यही है, सालों से इधर रहते हैं हम। पर अभी हम आगे क्या करें? कुछ प्रूफ है इधर से सालों से रह रहे हैं? हमारे पास ये आधार कार्ड, चुटकी का, लाइट बिल, राशन कार्ड, घर वगैरह, हम सब टाइम टू टाइम भरते हैं। जिसके पास टैक्स नहीं है तो घर वगैरह भरते हैं। ऐसा नहीं कोई नहीं भरता, सब टाइम पे भरते हैं। लेकिन हमारा कोई इधर कुछ करता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, आगे बात करते नहीं। हमको कहीं पे जगह देवे तो हम भले छोड़ने के लिए तैयार है। आपको अर्जी आई थी इधर तो आपको कुछ ऑफर किया था? आपको हमको कुछ ऑफर नहीं की थी, हमको बोला खाली तोड़ने आ जाएंगे। धमकी बमकी दी आपको? वो बोलते हम तोड़ के चले जाएंगे, ऐसी बात हुई थी। अच्छा, तो हमने बोला कि आप हम तोड़ने नहीं देंगे। और आप किधर गए हो अभी? नहीं, हम भाई हमको ये प्रॉब्लम हुआ है। हम 3-4 जनों के पास गए थे। ये कौन है, राजू भाई चावड़ा के पास गए थे, यतीन बहन मोदी के पास, सौजी भाई के पास, और ऊपर कौन है, ये 3-4 जनों के पास हम गए थे। बात हुई थी, उसने बोला हम बैठे हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यतीन बहन मोदी ने क्या बोला कि मैंने नहीं बेचा इधर, मैं नहीं तोड़ने वाली हूँ, आगे कोई तोड़ा हम क्या कर सकते हैं। जब लोन क्या ले, छुट्टी कार्ड आती है, छुट्टी आती है तब तो लेने के लिए आ जाते हैं। अभी ऐसे बोलते हैं कि हम क्या करें, तो हम कहाँ जावे? हम किसी को वोट नहीं देंगे, हम किसी को भी हम वोट तो टाइम पे टाइम देते हैं ना। जब बोलते हैं हम जाते हैं, कोई काम होता है हम उनका कर लेते हैं। अभी ये टाइम में वो खड़े नहीं रहते, कहीं चले गए, हम नहीं है घर पे, हम क्या करें। अब सौजी भाई ने हमको मदद की, उसने रुकवाया, अभी तो काम ये सौजी भाई हमारी मदद करते हैं, बाकी दूसरा किसी ने अभी हमारी मदद नहीं की। ये सब आपके पास रहते हैं? सब हमारे पास है, हमारे यहाँ बैठा हुआ। अच्छा। और जंगल खाता था चंबल। अच्छा, ये सब जंगल खाता था जब का बैठा हुआ, कोई मेरी फरियाद सुनता नहीं, सुनता नहीं। मेरे पास अच्छी कार्ड है, दाना कार्ड है, सब इधर ही रह रहे हो पहले से? अच्छा, होट वाला, होट वाला उठा था। इसमें आप भी हो? बा रोड ऊपर लाइट नहीं, रिक्शा नहीं, ने दवा खाने जीनी सिवल में जाता तो लारी में नाखी ने मैं दर्दी ने ले जाता। कोई पर साधन पुरुष न तो यहाँ तानी हमारी है पच्चे। तो तुम्हारा ये आप इधर से जमीन पे रहने का शुरू किया? हाँ। कैसे शुरू किया? इधर ऐसा ही खाली जमीन था? सब खाली जमीन पड़ा थे, सारा जंगल था, सारा जंगल था। तो जिधर हमारा दिल हुआ उधर बना लिया, बना लिया, जब से हमारे रहते हैं। कोई साधन रोड पे लाइट भी नहीं थी, रिक्शा भी नहीं था, कोई साधन नहीं, साइकिल थी। R9 भारत के लिए गुजरात के साबरकांठा जिले से हिम्मतनगर सुरेखा सतवारा की रिपोर्ट।